नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस मिथ बस्टर सीरीज में। बहुत सारे पेशेंट्स का ये एक मिथ है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों में होता है। तो पहले इस मिथ को मैं कम्प्लीटली हटा देता हूँ, ये किसी भी एज पे हो सकता है। यंग पेशेंट्स आज के दिन पे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों के नरम होने के कारण आ रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड इंडोर एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग अपनी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेस नहीं करते तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के उनको बहुत चांसेस है। जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, जो लोग विटामिन डी रेगुलरली रूटीनली कम रहता है, ऑन लॉन्गर टर्म्स देखा गया है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप बहुत देर बैठे रहते हैं तो कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग में आपको दिक्कत होती है, सुबह जब जाते हैं तो आपके गाड़ी का जो शीशा है, बैक शीशा है, वो ऊपर एडजस्ट करते हैं, दिन आते आते आपको इसको पीछे नीचे की तरफ करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पहले आप स्ट्रेट थे, अब आप झुक गए डे के एंड होते होते। लेथार्जी वीकनेस फील करना है इवनिंग टाइम में, और बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना कि बॉडी में मसाज करके देते, ये सारे सिम्टम्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे यंग लोगों को है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपना ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप ज़रूर कराएं। ये मिथ है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है।